हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, जैसे कि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये सब क्वेश्चन के सोल्यूशन लेके आया हूं, तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों ये सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों अब आपके लिए ऐसा ट्रिक लेके आया हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहां पर क्वेश्चन मार्क और यहां पर दो नंबर दिए हुए, और बाहर देखोगे दोस्तों तो चार नंबर दिए हुए। ठीक है, तो काम करता हूं मैं, जो बाहर जो चार नंबर दिए हैं उसको मैं प्लस कर लेता हूं मैं। तो यहां पर देखोगे 2+5+3+4, ये चार नंबर को मैं यहां पर प्लस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो 2+5 कितना होगा 7 होगा, 7+3 10, और 10+4 कितना होगा 14 होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर 27 है, तो 14 में मैं क्या प्लस करूंगा जिससे मुझे 27 मिल जाए। तो काम करता हूं प्लस 13 कर लूं तो मुझे 27 मिल जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए यहां पर भी दोस्तों यहां पर 37 दिया है और बाहर देखोगे चार नंबर दिया हुआ है, तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं 3+2+6+5। ठीक है, अब देखोगे दोस्तों कि 3+2 कितना होगा 5, 5+6 कितना होगा 11 होगा, और 11+5 कितना होगा 16 होगा। इतना क्लियर। लेकिन यहां पर 37 दिया है, तो मुझे 16 में क्या प्लस करना होगा जिससे मुझे 37 मिल जाए। तो एक काम करता हूं यहां पर मैं प्लस 21 कर लेता हूं जिससे मुझे 37 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हिंट क्या मिला है यहां पर, ध्यान से देखोगे तो यहां पर 13 था, तो 13 में मैं अगर प्लस 8 करूं मैं तो मुझे 21 मिल गया। ठीक है, तो 21 में अगर प्लस 8 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 29 मिल जाएगा। इतना क्लियर। लेकिन 29 कैसे काम आएगा, तो क्या करेंगे दोस्तों बाहर के पहले चार नंबर को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर 9+2+2+5 दिया है, तो 9+2 कितना होगा 11 होगा, 11+2 कितना होगा 13 होगा, 13+5 कितना होगा 18 होगा। तो यहां पर 29 दिया है तो यहां पर 18 से प्लस कर लेंगे तो आपको मिलेगा 47। तो देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, और जब भी बॉक्स टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो क्या करना होता है, या तो आपको इस तरह सॉल्व करना होता है या फिर दोस्तों आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं नंबर किस तरह से दिया हुआ है। तो आप देखोगे यहां पर 16, यहां पर 25, 9, 36, 64 और 81। ठीक है, और यहां पर 10 और 13 दिया हुआ। ठीक है, ध्यान दोगे दोस्तों तो ये सब नंबर क्या है, ये सब नंबर दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या दोस्तों, इसका रूट निकाल पाओ। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों रूट 16 निकालोगे तो क्या निकलेगा दोस्तों 4 निकलेगा। क्लियर है, और यहां पर रूट 25 निकालोगे तो क्या होगा दोस्तों 5 होगा। तो काम कर लेते हैं कि ये जो 6 नंबर दिए ऊपर इसे दोस्तों हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर 16 का क्या होगा दोस्तों 4 होगा, यहां पर 25 का 5 होगा, 9 का क्या होगा 3 होगा। ठीक है, और 36 का क्या होगा यहां पर 6 होगा, 64 का 8 होगा, और 81 का क्या होगा 9 होगा। क्या किया दोस्तों, रूट निकाल लिया। क्या किया, रूट निकाला हमने। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से बना दिया मैंने। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर 10 लाना है, तो देखोगे यहां पर 4 और यहां पर 6 है, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर 5 दिया है और यहां पर 8 दिया है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको यहां पर 13 मिल जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों यहां पर दोस्तों 12 होगा, तो यहां पर मैं 12 लिख दूंगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। सिंपल ट्रिक है दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाओगे। करना क्या है, आपको देखना है कि ये और ये दोस्तों किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, और जो हिंट आपको मिल जाए उसी हिंट से दोस्तों यहां पर लगा के आंसर फाइंड करना होगा। तो कैसे हिंट फाइंड करते हैं वो भी आपको सिखा देता हूं। देखिए यहां पर ये ए दिया हुआ है, तो ए से दोस्तों आप देखोगे ये सी दोस्तों कैसे कनेक्ट कर रहा है, तो यहां पर ए के बाद क्या आता है, बी आता है, मतलब एक अल्फाबेट छोड़कर एक अल्फाबेट ले लिया गया, मतलब यहां पर प्लस 1 किया गया है। यहां पर एच दिया हुआ है, ठीक है, तो एच के बाद क्या आता है दोस्तों आई आता है, ठीक है, आई के बाद क्या आता है दोस्तों जे आता है, और जे के बाद के आता है, मतलब दो अल्फाबेट को छोड़कर यहां पर ले लिया गया है। मतलब आप काम कर सकते हो इसके साथ, इसको प्लस 2 कह सकते हो। ठीक है, अब यहां पे ओ दिया है और यहां पर एस दिया है, ओ के बाद क्या आता है पी आता है, पी के बाद क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस आता है, मतलब तीन अल्फाबेट को छोड़कर ये अल्फाबेट लिया गया है। ठीक है, अब यहां पर पी दिया है, तो यहां पर पी दिया है तो क्या होगा दोस्तों क्यू, क्यू आर एस
टी, टी के बाद दोस्तों यू है। तो यहां पर लॉजिक क्या है दोस्तों कि पहला अल्फाबेट तो प्लस, दूसरा है तो प्लस टू, तीसरा है तो प्लस थ्री, चौथा है तो प्लस फोर। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, प्लस वन कर देता हूं मैं, मतलब एक अल्फाबेट छोड़कर लेंगे हम लोग। तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी को छोड़ दीजिए, डी ले लीजिए। तो यहां पर देखिए पहला अल्फाबेट क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा। इतना क्लियर है, आप देख सकते हो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में यह मैच हो रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा। अब देखिए यहां पर जे दिया है, जे के बाद के आता है, के के बाद एल आता है, तो दो अल्फाबेट छोड़ देंगे और हम लेंगे यहां पर एम लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर करना चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो आप, यहां पर एम दिया है तो एन ओ पी, उसके बाद लिखोगे आप क्यू, यहां पर एफ दिया है तो एफ के बाद क्या आएगा, जी एच आई जे, उसके बाद आएगा के, तो के को यहां पर ले लेंगे। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अब आ जाए तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन। जानते हो दोस्तों कि 10th स्टैंडर्ड का सेशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है कि मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक अवेलेबल है। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट बुक लेके आओ मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, ओसवाल का ये बुक दोस्तों। इस बुक के अंदर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि बुक का नाम है क्वेश्चन बैंक। और यहां पर दोस्तों चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा, मतलब दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, हर एक चीज दोस्तों इसमें डिटेल मिल जाएंगे आपको। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज, मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन चैप्टर वाइज यहां पर आपको दिया गया है। और यहां पर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, और यहां पर एसरेशन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। और इस बुक को दोस्तों जो सीबीएसई ने जो लेटेस्ट अपडेट दिया है 31 मार्च 2023 के हिसाब से इस बुक को डिजाइन किया गया है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए यह बुक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके परचेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों काउंटिंग फिगर में से लिया गया है, और यहां पर पूछा गया है कि इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, ये आपको पता करना है। तो कैसे पता कर पाओगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए दोस्तों जब भी दोस्तों ऐसे ट्रायंगल दिया जाता है और बीच में लाइन दिया जाता है और ये बेस दिया जाता है, तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यहां पर 1 लिखा जाता है, यहां पर 2 लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है, मतलब इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 होते हैं, ठीक है। तो यही कांसेप्ट दोस्तों यहां पर यूज करेंगे हम लोग। तो आप देखोगे ये एक बेस दिया हुआ है, तो यहां पर 1 लिखोगे, यहां पर 2 लिखोगे, यहां पर 3 और यहां पर 4 लिखोगे। तो यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक बेस है तो यहां पर 10 मिल गया, यहां पर भी एक बेस है तो यहां पर क्या होगा, 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। और यहां पर भी बेस है दोस्तों तो यहां पर भी नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 होंगे। तो एक काम करता हूं मैं 10 प्लस 10 प्लस 10 करूंगा तो मुझे मिलेगा यहां पर 30, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी और भी, ठीक है। अब देखोगे ये तो हो गया काम हमारा, अब बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए छोटा ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पर प्लस 1 कर लोगे, और देखिए बड़ा सा ट्रायंगल बाहर दिया हुआ है, इसे भी काउंट करना होगा, तो यहां पर प्लस 1 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 32 होगा, मतलब इस फिगर के अंदर 32 नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों अब आपके लिए और एक क्वेश्चन, चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल ट्रिक है दोस्तों, ध्यान दोगे अगर आप यहां पर, तो यहां पर 7 और यहां पर 2 दिया है, और यहां पर 59 दिया है, यहां पर 53, यहां पर 28, यहां पर 91, यहां पर 810 दिया है, और 54 दिया तो क्वेश्चन मार्क यहां पर दिया है। तो कैसे फाइंड करोगे, ध्यान दोगे दोस्तों अगर, तो यहां पर 59 है तो यहां पर 7 और यहां पर 2 है, तो अगर मैं 7 को अगर 2 से मैं प्लस कर लूं मैं तो मुझे 9 मिल जाएगा, और दोस्तों अगर मैं 7 को अगर 2 से माइनस कर लूं मैं तो मुझे 5 मिल जाएगा। लॉजिक सेट हो रहा है, तो ये लॉजिक यहां पर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो 5 दिया है, तो 5 प्लस अगर 3 करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 5 को अगर मैं माइनस 3 कर लूं तो मुझे 2 मिल जाएगा, देखिए लॉजिक सेट हो रहा है। यहां पर भी देखोगे दोस्तों 9 प्लस 1 करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा, और 9 माइनस 1 करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, लॉजिक सेट हो रहा है। दोस्तों यहां पर भी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखोगे 5 प्लस 4 करूंगा तो यहां पर 9 लिखता हूं मैं, और 5 को दोस्तों 4 के साथ माइनस करने पे 1 मिलेगा तो 1 यहां पर लिख देता हूं, तो मुझे आंसर मिल गया 19 मिल गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इजी सॉल्व कर पाओगे, ये उम्मीद करता हूं मैं दोस्तों। अब आपके लिए और एक क्वेश्चन, अब दोस्तों आपके लिए आखिरी क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कैसे सॉल्व करोगे, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों यूनिट टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर दोस्तों 2 क्वेश्चन मार्क दिया है, यहां पर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन में दोस्तों फाइंड करना है कि राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों कुछ हिंट निकालना होगा हमें यहां पर। तो यहां पर देखोगे 2 और 9 और यहां पर 11, यहां पर 7 दिया है। देख के पता चल रहा है दोस्तों कि यहां पर 2 और यहां पर 9 दिया है, तो 2 को अगर मैं 9 के साथ मैं प्लस कर लूं मैं तो 2 प्लस 9 कितना होगा, 11 होगा। लेकिन 7 कैसे लेके आऊं मैं, तो यहां पर सिंपल है, अगर मैं 9 को दोस्तों 2 के साथ माइनस कर लूं तो मुझे 7 मिल जाएगा। लेकिन यहां पर माइनस भी तो दिया है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये हिंट यहां पर काम आता कि नहीं आता है, और नेगेटिव भी फुलफिल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखोगे दोस्तों यहां पर 8 प्लस 5 करोगे तो आपको 13 मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर 5
5 माइनस 8 करोगे तो 3 मिलेगा, लेकिन दोस्तों बड़े की साइन माइनस की है तो यहां पर माइनस 3 आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये देखिए, ये इजीली समझ में आ गया। अब यहां पर भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर 8 प्लस 5 करने पर 13 मिलता है यहां पर, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो एक काम करता हूं, यहां पर तो 10 दिया है ना, तो अगर मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं 3 लिखूं मैं और 7 प्लस 3 करूं मैं तो मुझे 10 मिल जाएगा। क्लियर हो गया? और यहां पर दोस्तों 3 माइनस 7 करूंगा मैं तो मुझे 4 मिलेगा, लेकिन माइनस की साइन देखिए बड़े की है तो माइनस 4 आ जाएगा। देखिए ये हो गया। तो यहां पर पहला देखिए ऑप्शन देखिए 3 आ गया, यहां पर लिख देता हूं मैं। उसके बाद दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करके देखता हूं मैं, तो 6 प्लस 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब 4 माइनस 6 करूंगा तो मुझे माइनस 2 मिल जाएगा। तो देखिए 3 और माइनस 2 कहां पर दिया हुआ है, तो देखोगे यहां पर ऑप्शन सी में दोस्तों ये ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, माइनस 2 आएगा और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर 3 आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।